जय हिंद साथियों, यूपी पुलिस कांस्टेबल के री एग्जाम की डेट आ चुकी है। 23, 24, 25, 30 और 31 अगस्त को आपके री एग्जाम होने हैं। अब सभी लोग इसमें अपनी स्ट्रेटजी बता रहे हैं कि किस प्रकार से आपको पढ़ना है, लेकिन अभी तक जो आपने पढ़ा और फिर मॉक टेस्ट लगा के उसका एनालिसिस किया, तो अगर आपके नंबर 150-200 कुछ आ रहे हैं तब फिर ये स्ट्रेटजी आपके लिए है, अन्यथा सारी स्ट्रेटजियां आपके लिए बेकार है। कोई स्ट्रेटजी आपको सिलेक्शन नहीं दिला सकती है। बहुत सारे यूट्यूबर आ गए हैं मार्केट में, जिनका पहले से ही क्लासेस चल रहा है, मैराथन क्लास अब चलने लगेगा और बहुत सारी सीरीज लॉन्च होंगी कि इसको पढ़ लीजिए, इसको पढ़ लीजिए, और सबका सिलेक्शन होगा। देखिए, भीड़ बहुत है, हर यूट्यूबर के पास लाखों की संख्या में व्यूवर्स हैं और वो देख रहे हैं उनके चैनल को। मान लीजिए वो एक मैराथन करा रहे हैं, तो क्या वो मैराथन अगर 10 लाख लोग देख रहे हैं तो क्या 10 लाख का सिलेक्शन हो जाएगा? 50 लाख लोग एग्जाम देने वाले हैं, केवल 60,000 का उसमें से सिलेक्शन होना है। तो आपको कुछ अलग करना होगा और अलग पढ़ना होगा, तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा, अन्यथा भीड़ से आप भीड़ में मिल करके बाहर हो जाएंगे, आप उस 60,000 की संख्या में नहीं आ पाएंगे और कंपटीशन बहुत ज्यादा है। तो इसलिए मैं एकदम बेस्ट स्ट्रेटजी आपको बता रहा हूं। अगर आपके 150-200 नंबर आ रहे हैं तब ये कारगर सिद्ध होगी, नहीं तो अन्यथा अगर आप एकदम नए सिरे से शुरुआत कर रहे हैं तो फिर एकदम नामुमकिन है आपके लिए एग्जाम को क्वालिफाई करना, क्योंकि एक महीने के अंदर या 20-25 दिन जो बचे हैं उसके अंदर कोई भी एग्जाम को क्वालिफाई करना, बेसिक से समझना, फिर जो है उसको क्वालिफाई करना काफी कठिन हो जाता है, काफी कठिन क्या एकदम नामुमकिन हो जाता है। अब बात करेंगे हम स्ट्रेटजी पे कि अगर आपने मॉक टेस्ट लगाया है, उसका नंबर 150 से प्लस आ रहा है, 180 से प्लस या 200 प्लस आ रहा है, 200 प्लस आ रहा है, आपको 250 तक ले जाना है, क्योंकि 250 से अगर कम करेंगे तो आपका स्कोर सेफ नहीं माना जाएगा। अब ये स्कोर कैसे बढ़ेगा? देखिए, जब आपको मॉक टेस्ट, मैंने कई बार बताया है कि मॉक टेस्ट डेली एक लगाना है, जितने भी दिन शेष बचे हैं उसमें, अब सबसे बड़ी चीज ये है कि आप जो है फालतू के कामों को छोड़ करके एकदम फोकस अपने एग्जाम पे करेंगे और एक मॉक टेस्ट डेली लगाएंगे। जब एक मॉक टेस्ट लगाएंगे उसके बाद इसका एनालिसिस करना है एकदम डीपली। उसमें एनालिसिस से आपको ये पता चलेगा कि हमारा जो है, मान लीजिए एक सब्जेक्ट का आपने एनालिसिस किया तो मैथ और रीजनिंग दो सब्जेक्ट, इन दोनों सब्जेक्ट में आपके कुछ टॉपिक ऐसे होंगे जिनके क्वेश्चन नहीं लगते होंगे, बस उन्हीं पे इंप्रूवमेंट करना है। कुछ क्वेश्चन नहीं लगते होंगे, उनकी प्रैक्टिस करनी है, बुक से करनी है, यूट्यूब से करनी है, उसके क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको, वो टॉपिक क्लियर करना है, जिससे क्या होगा दोबारा जो है अगर क्वेश्चन आपके सामने आए या उस टाइप के क्वेश्चन आए, उस टॉपिक से क्वेश्चन आए, तो वो गलत ना हो आपके। इससे क्या होगा, आपका स्कोर जो है इंप्रूव होता जाएगा। साथ में जीएस को पढ़ना है, रिवाइज करना है, जो पुराना आपने पढ़ा है उसको रिवीजन करते जाना है और हिंदी को रिवीजन करते जाना है। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों ने हिंदी और जीएस जो है कंप्लीट पढ़ लिया होगा इतने समय में, क्योंकि काफी समय था आपके पास, तो अब जो बचा हुआ समय है उसमें आपको रिवाइज करने का समय आ गया है। आप हिंदी को लीजिए तो जैसे मुहावरे हैं और भी जितने भी टॉपिक हैं सारे, उनको सारे टॉपिक को आपको रिवाइज करना है। रिवाइज करेंगे तो जो क्वेश्चन आपको, देखिए मान लीजिए एक क्वेश्चन आया उसके चार ऑप्शन है, उसको देख करके आपको दो या तीन ऑप्शन में आपको लगता है कि ये दोनों ऑप्शन सही है, तीनों ऑप्शन सही है, ऐसी दुविधा उत्पन्न हो जाती है। तो जब आप रिवाइज करेंगे तो ऐसा कंडीशन नहीं होगा और तुक्का आपको नहीं लगाना पड़ेगा, जिससे आपके जो है एकदम एक्यूरेट सही आंसर लिखेंगे और आपका उसका नंबर मिलेगा, इससे जो है इंप्रूव होगा। तो ये मैंने दो चीजें बताई, आपको रिवाइज करना है जीएस और हिंदी, इसके साथ में मॉक टेस्ट एक लगाना है डेली। एक मॉक टेस्ट आप डेली जब लगाएंगे इसके बाद में उसका एनालिसिस करेंगे। 2 घंटे का अगर मॉक टेस्ट आप लगा रहे हैं तो 2 घंटे एनालिसिस में लगाइए कम से कम, नहीं 2 घंटे, अगर 1.5 घंटे हो जा रहा है एनालिसिस इस प्रकार से करना है। मान लीजिए मैथ का एक क्वेश्चन देखे, कोई भी प्रॉफिट एंड लॉस का कोई क्वेश्चन है, अगर इजी है लग गया चलो ठीक है कोई बात नहीं, दूसरा क्वेश्चन मान लीजिए टाइम एंड वर्क का है और वो क्वेश्चन फंस गया आपका, नहीं लगा पाए, तो आप उस टाइप के क्वेश्चन को ढूंढिए बुक में से, उसको लगाइए और एक आध क्वेश्चन और उससे रिलेटेड लगा लीजिए, जिससे जो है आपकी कठिनाई ना हो दोबारा उस टॉपिक में लगाने में और कोई समस्या ना हो, टाइम ज्यादा ना लगे उसको लगाने में, क्योंकि मैथ के ज्यादा क्वेश्चन आपके आएंगे नहीं, और लेकिन जो आएंगे उनमें आपकी सियोरिटी ये होनी चाहिए कि मैथ के अगर 18 क्वेश्चन आ रहे हैं तो मेरे 18 टोटल सही हो जाने चाहिए, क्योंकि इतनी हार्ड लेवल की यूपी कॉन्स्टेबल में मैथ नहीं आती है, रीजनिंग भी हार्ड नहीं आती है, तो ये दोनों ईजी ही आएंगे, रीजनिंग और मैथ। हिंदी भी ईजी ही आएगी और जीएस के भी ज्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, जीएस थोड़ा बहुत हार्ड और रीजनिंग में जो मेंटल एबिलिटी पूछी जाती है, मानसिक अभिरुचि कहते हैं, वो थोड़ा सा लड़के गलत कर देते हैं, लेकिन अगर उसको ध्यान से पढ़ेंगे और समझेंगे तो वो गलत बिल्कुल नहीं होगा। कुछ क्वेश्चन अगर आप चाहेंगे तो मैं उसको करवा के बता दूंगा एक वीडियो में, अगर कमेंट आएंगे इसमें अच्छे से कि मेंटल एबिलिटी के कुछ क्वेश्चन आप करवा दीजिए तो मैं उसको करवा दूंगा, क्योंकि उसमें बस ये होता है कि आपको अपने दिमाग से सोचना है, क्या उस जगह पर डिसीजन लेना है, ऐसे क्वेश्चन रहते हैं डिसीजन मेकिंग टाइप के, तो वो अपने दिमाग से आप सोच करके उसको सही करेक्ट कर सकते हैं, उसमें कोई ज्यादा बड़े परेशानी की बात नहीं है। बस मैंने एक दो चीजें बताई आपको, रिवाइज करना है हिंदी और जीएस का और
मॉक टेस्ट लगाना है, मॉक टेस्ट में जो आपका वीक पोर्शन लगे, जो टॉपिक के क्वेश्चन आपसे ना लगे उस पे जो है प्रैक्टिस करनी है। इतना अगर आप करेंगे 20-25 दिन जो लास्ट के बचे हैं, तो इसमें आपका जो स्कोर 180-200 आ रहा था वो 250 तक पहुंच जाएगा। ये बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट दिखेगा। एक हफ्ते अगर आपने कर लिया तो एक हफ्ते के अंदर आपको दिखने लगेगा कि मेरा स्कोर जो है बढ़ रहा है, और एग्जाम के टाइम तक काफी अच्छा इंप्रूवमेंट हो जाएगा और आप एग्जाम को क्वालिफाई कर सकेंगे। इसके अलावा फालतू की जो है एक्टिविटीज बंद कर दीजिए, एकदम फोकस कर दीजिए, जितना समय हो प्रैक्टिस करते रहिए। जितना ही अधिक प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा जो है आपका स्कोर इंप्रूव होगा। और फालतू के कोई एराथन मैराथन क्लास के चक्कर मत पड़िए, क्योंकि वही चीजें जो है बार बार आपको रिपीट करा करके, मान लीजिए 10 घंटे का मैराथन कराते हैं, उसमें कितने क्वेश्चन पढ़ा देंगे, उस 10 घंटे अगर आप खुद से पढ़ेंगे तो उससे कई गुना ज्यादा क्वेश्चन पढ़ लेंगे। कंटेंट आपके पास है, कंटेंट कहाँ मिल जाएगा, आपके पास बुक है बहुत सारी होंगी, पीडीएफ है या बहुत सारे ऐसे सोर्स हैं, आप उसको सर्च करेंगे तो आपको मिलेगा, मॉक टेस्ट से कंटेंट मिलेगा आपको, या बुक आपने जो परचेज की होगी लूसेंट की या हिंदी की जो आदित्य की आती है, उन सब में कंटेंट काफी ज्यादा है, उसको ही आप तैयार कर लेंगे तो वो आपके लिए बेनिफिशियल होगा और एग्जाम को क्वालिफाई करने में बिल्कुल मदद करेगा। इसी के साथ ये वीडियो समाप्त करेंगे। अगर स्ट्रेटजी पसंद आई तो उसको और लोगों तक शेयर जरूर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें।